हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया साइबर किचन, यानी कि आपका अपना किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं, ये देखिए हमारे काउंटर पे क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ये मलाई नहीं है फ्रेंड्स, ये कर्ड है जिसको कि हमने हंग करके यानी कि टांग करके रखा था। तो हम बनाएंगे दही के कबाब, दही के शोले, या आप जिसे ब्रेड पॉकेट्स बोल सकते हैं, या क्या नाम दो इसको, और बहुत जो भी नाम आपको अच्छा लगे, कर्ड पॉकेट्स बोल सकते हैं इसको, चीज़ी पॉकेट्स बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और बहुत ही इजी हैं बनाने में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले करना क्या है आपको, आपको दही को जो है लेकर घर का फ्रेश दही लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप उसे उसमें कोई खटास ना हो, और उसे हंग करके रखना है, हमें टांग करके रखना है, या तो किसी कपड़े में, नहीं तो ऐसे कोई भी आप छलनी ले सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो बड़ी छलनी ले लीजिए, उसमें टांग करके रख दीजिए। लेकिन गर्मी इन दिनों बहुत है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको फ्रिज में ही रखें। बाहर जो है दही अगर हम ऐसे रखेंगे तो वो खटास में आ जाएगा, तो आप इसको फ्रिज में दही को टांग करके रख दीजिए कम से कम 4-5 घंटे के लिए, ताकि उसका जो पानी है वो बिल्कुल सारा निकल जाए। तो और उसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, ब्रेड आप जो चाहें वो ले सकते हैं, वाइट ब्रेड चाहें, ब्राउन ब्रेड चाहें, आटा ब्रेड चाहें, इसे हेल्दी और बनाने के लिए आप आटा ब्रेड अगर लेना चाहें, तो मैंने यहाँ पर इसमें आटा ब्रेड ले रही हूँ, तो आप ये ले सकते हैं। और इसमें डालने के लिए देखिए मैंने लिया है अनियन और कैप्सिकम और थोड़ा सा कोरिएंडर लिया है मैंने, आप चाहें तो इसमें कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ ये दो चीज़ें यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने एक कटोरी लिया था दही, और ये मैंने लिया है आधा प्याज जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है, और जो कैप्सिकम है वो आधे से भी थोड़ी कम, क्योंकि कैप्सिकम बड़ी थी। अगर आपके पास छोटे साइज़ की कैप्सिकम हो तो इतने जो कर्ड के लिए हमें आधी कैप्सिकम इनफ रहेगी। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले ब्रेड के कॉर्नर्स हटाने हैं, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड के कॉर्नर सारे मैंने कर लिए हैं अलग। अब इस बोल में हम ये अपना जो हंग कर्ड है इसे डाल देंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे ये अनियन और कैप्सिकम जो हमने लिया था। फ्रेंड्स, ये आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, या शाम के स्नैक में बना सकते हैं, कोई रिलेटिव आए बनाए, बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनते हैं ये। और ये देखिए नमक, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आधा कप ही हमने लिया है दही का। और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और मसाले भी जो है इसमें देखिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाले हैं, तो इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब हमें करना क्या है कि हमें ये जो ब्रेड है हमारी हमने ली, इसको जो है हमें बेलना है। फ्रेंड्स, इसमें बस आपको ख़ास ध्यान ये रखना है कि ब्रेड जो है आपको फ्रेश होनी चाहिए, फ्रेश ब्रेड का ये जो है बहुत बढ़िया बनता है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, बगैर कुछ लगाए। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट ब्रेड हो जाएगी, तो इसी तरीके हम अपनी सारी ब्रेड्स बेल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड्स जो है हमने सारी की सारी बेल ली हैं, और ये जो कॉर्नर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि कॉर्नर्स को हम ड्राई रोस्ट करके रख लेंगे, और इसके जो ब्रेड क्रम बन जाएगा वो हमें किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें हम ऐड कर लेते हैं अपने मिक्सचर में थोड़ा सा धनिया। और फ्रेंड्स, आप अगर दही आपका थोड़ा सा खट्टा इसमें हो गया है, थोड़ा सा आपको लग रहा है उसमें सॉरनेस है, तो आप उसमें एक चम्मच मलाई ऐड कर देंगे, तो टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा, और जो बनकर आएगा वो बहुत ही बढ़िया से आएगा। तो आप इसकी शेप कोई भी दे सकते हैं, मैं आपको इसको दो शेप्स में बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसको हमने लगा लिया इस तरीके से, और एक कटोरी में ले लिया मैंने पानी, और पानी थोड़ा थोड़ा हम इस तरीके से लगा देंगे अच्छे से। और इसको इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे।
ये देखिए, ये हमारा बन गया इस तरीके से एक, और एक मैं आपको दूसरी शेप में बना के दिखा देती हूँ, वो हम इस तरीके से बना लेंगे। शेप तो फ्रेंड्स आप अपने मन की जैसा आपको पसंद हो वैसी आप दे सकते हैं, और इसमें भी इसी तरीके से चारों तरफ पानी लगा लेंगे, क्योंकि ब्रेड हमारी फ्रेश है। और अगर आपको लगे कि ब्रेड आप नहीं सील कर पा रहे हैं पानी से, तो आप एक चम्मच मैदा घोल लीजिए, आप उससे भी ब्रेड को सील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश ब्रेड लेते हैं तो वो इजीली हमारी ऐसे ही सील हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, तो आपको जो शेप पसंद हो आप उसमें कर लीजिए इसको तैयार, मैं भी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों ब्रेड के कर लिए रेडी। अब हम इसको थोड़ा सा नीट कर लेंगे, ये जो एक्स्ट्रा ब्रेड हमारी निकल रही है इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। फ़र्क इससे कुछ नहीं पड़ेगा, बस थोड़ी सी नीटनेस से थोड़ा सा ये और खूबसूरत दिखेगा। देखिए अब हमें करना क्या है कि एक कढ़ाई में ले लेना है तेल और उसे रखना है गरम करने, फिर हम इसे करेंगे डीप फ्राई। तो फ्रेंड्स देखिए, तेल भी हो गया है हमारा अच्छे से गरम, बढ़िया से सेक आ रहा है इसमें से। तो अब हम इसमें बहुत ध्यान से आराम से डालेंगे अपने कबाब्स, जो कि बनाए हैं हमने दही से। बहुत ही बढ़िया डिश हमारी, और इसे एक साइड से होने देंगे, और तब तक हम लगा लेते हैं प्लेट में टिश्यू ताकि एक्सेस ऑयल रिमूव कर सकें इसका। इस तरीके से हल्का हल्का सा इसके ऊपर हम तेल डाल देंगे और इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया से सिक गया हमारा एक साइड से, और इसी तरीके से हम दोनों साइड से सेक के इसे, बस हमें बहुत ज़्यादा इसका कलर जो है वो गोल्डन नहीं करना है। बिल्कुल ये देखिए गोल्डन कलर, इसका जो लाइट गोल्डन कलर है, इसमें इसकी जो क्रिस्पीनेस आती है वो बहुत ही बढ़िया आती है। तो इसको हम लाइट गोल्डन कलर करके निकाल लेंगे अपनी प्लेट में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हो गए हमारे बढ़िया से गोल्डन कलर इसका। तो हम दूसरी जो शेप के लिए थे हमने उसे भी बना लेंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दही कबाब हमारे बन करके हैं रेडी, और आप देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए आप इसकी क्रिस्पीनेस सुन सकते हैं आवाज़ इसकी, और अब हम इसे करते हैं सर्व। आप चाहें तो आप इसे ग्रीन चटनी के साथ खाएं धनिया पुदीने की, चाहें तो केचप के साथ खाएं, और हम इस बीच में से जो है इसको कट कर देंगे ताकि इसकी जो टेक्स्चर है वो हमें अंदर का भी दिखाई देगा, जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है और खाने में भी अट्रैक्ट करता है। ये देखिए इस तरीके से, तो हम इनको आप जैसे चाहें वैसे इनको कट कीजिए और करिए सर्व गर्मा गर्म। और ये बाहर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से ये उतने ही सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, तो लीजिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म हमारे दही के कबाब, दही के शोले, हमारे क्या बताएं, कर्ड पॉकेट्स, ब्रेड पॉकेट्स, जो आप नाम देना चाहें बच्चों को खुश करने के लिए दीजिए, और बनाएं खाएं और बताएं कि आपको ये कैसे लगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।